चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भी हम प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले पिछले कितने एपिसोड से मैंने सारी थ्योरीज भी बताई हैं और क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, तो आज फिर हम वही करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि टू प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स, एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन towards each other, they meet in 1 hour 20 minutes. Determine the speed of the cars. क्वेश्चन समझते हैं कि एक हाईवे पे दो जगह है, ए और बी, आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दोनों जगह ए और बी जो है हाईवे पे, ये 80 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पे है। मान लो आप, ये हाईवे है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए एक दूसरे से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ए। अब क्या है कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ एक कार खड़ी है और यहाँ एक कार खड़ी है, और दोनों एक ही टाइम में ए से स्टार्ट होती है और बी से स्टार्ट होती है। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब ए इस डायरेक्शन में आता है और बी भी इसी डायरेक्शन में आता है, जो सेम डायरेक्शन हो गया। तो इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है। मान लीजिए कि ये इधर और ये इधर एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगे। तो ये दोनों जो मिल रहे हैं वो 8 घंटे में मिल रहे हैं। दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स, एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ए की तरफ से पहली कार इधर चला और बी की तरफ से पहली दूसरी कार इधर चला, तो ये दोनों जो है 1 घंटे 20 मिनट में मिल जाते हैं आपस में। तो क्या बोलता है क्वेश्चन की डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार्स, कार का स्पीड आप डिटरमाइन कीजिए। अब कार का स्पीड डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि जब हम टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी की चर्चा कर रहे थे, तो उस समय हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ा था कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि रिलेटिव स्पीड क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमने जब थ्योरी पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अगर किसी वस्तु का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, और ये दोनों एक ही टाइम में एक डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही टाइम में दोनों वस्तु अगर एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो इनका सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे, तो सेम डायरेक्शन में चलने पे इनका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब एक से दूसरे के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उससे, जो स्पीड कम होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। अगर एक डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। और अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो चूंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि दोनों फिर तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे,
तो उस कंडीशन में मतलब एक इस डायरेक्शन में आता है, दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में आता है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, तब उस कंडीशन में इनका सापेक्ष चाल x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो ये तो हो गया सापेक्ष चाल की बात। अब फिर एक बार दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलके। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो जगह किसी हाईवे पे, दो जगह ए और बी है जो एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय में। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार्स। दो जगह है किसी हाईवे पे, इस ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि एक हाईवे है ए और बी। इस हाईवे पे दो जगह है ए और बी, एक हाईवे है, यहाँ दो जगह है और इसकी दूरी जो है 80 किलोमीटर है। एक कार वन यहाँ पे है, एक कार टू यहाँ पे है। ये दोनों सेम ही टाइम में जब चलना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए कि किसी जगह पे मिल जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं तो किसी जगह पे मिल जाते हैं, तो 8 घंटा का टाइम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में, एक दूसरे से मिलने में। और अगर ये C1 और ये C2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये मिलने में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लेते हैं। तब जो है इन कारों का स्पीड क्या है? अब जैसे कि हमने अभी रिलेटिव स्पीड समझा है, सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति जो हमने समझा है, उसके हिसाब से अगर हम करते हैं, तो मान लेते हैं कि कार वन का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। कार वन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कार टू का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। सर्टेन है कि चूंकि कार वन कार टू से मिलेगा, मींस कार टू से ज्यादा तेज कार वन चल रहा है, मतलब x जो है y से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इनका सापेक्ष स्पीड जो होगा, इनका रिलेटिव स्पीड जो होगा, वो x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने माना है x किलोमीटर, कार वन का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार टू का स्पीड अगर हम y किलोमीटर प्रति घंटा माना है हमने, तो चूंकि दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सापेक्ष स्पीड, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड के हिसाब से यहाँ पे रिलेटिव स्पीड x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अभी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, ए और बी का डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर है, और दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो 8 घंटे के बाद मिलते हैं, मतलब कि लेट द स्पीड ऑफ कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने ग्राफ से अभी आपको समझा दिया है कि माना कि कार का स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, x माइनस y में जितना डिस्टेंस कवर होगा, उसमें इनको कितना टाइम लग गया, 8 घंटे लग गए। मतलब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो देयरफॉर 80 बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 80 बाई x माइनस वाई क्यों किए, तो स्पीड टाइम इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको इसके सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देंगे 80 बाई x माइनस वाई, जो कि 8 घंटे में ये 80 किलोमीटर की दूरी तय करके
का ए से जो कार है वो बी वाले कार से मिल जाएगा। तो 80 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज 8 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80 एंड दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया फर्स्ट कंडीशन में कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो 8 घंटे में मिलते हैं। तो पहले कंडीशन में पहला इक्वेशन मिल गया, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है और कुछ थ्योरीज याद रखने की जरूरत है, जो कि अभी मैंने रिलेटिव स्पीड आपको समझाया और रिलेटिव स्पीड का ही क्वेश्चन बना रहा है। अगेन फिर से क्या हो जाएगा, 80 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई क्यों हुआ, सेकेंड कंडीशन आप देखो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ मूव करने में कितना टाइम लेते हैं, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लेते हैं। तो 80 बाई एक्स प्लस वाई 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 आवर और 20 बाई 60, दोनों को घंटे में चेंज कर देंगे, मतलब 1 आवर 1/3, दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इंप्लाइज 4 से 20 चौका 80, मतलब दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ 1 हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई और 20 किया 60, 23 जा 60। तो एक दो नंबर इक्वेशन हो गया। अब एक नंबर और दो नंबर इक्वेशन मिल गया तो बाई 1+1 हम करते हैं, 1+2, मतलब एक नंबर इक्वेशन को दूसरे नंबर इक्वेशन को से ऐड करते हैं तो बाई 1+2 क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 और 60 70, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 70/2, 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक निकल गया, x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज यहाँ x का वैल्यू 35 रख दीजिएगा, तो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 35 माइनस 10, 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि द स्पीड ऑफ कार्स आर 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। तो रिलेटिव स्पीड के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।